भाजपा की वरिष्ठ आदिवासी नेत्री पूर्व मंत्री रंजना बघेल का मनावर से काटा टिकट। रंजना बघेल ने बजाय पार्टी ने इस बार मनावर से जिला पंचायत सदस्य शिवराम सिंह कन्नौज को प्रत्याशी घोषित किया। धार जिले की सातों विधानसभा सीटों में खड़े सभी प्रत्याशियों में शिवराम सिंह कन्नौज सबसे युवा प्रत्याशी है। भाजपा की आज अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद मनावर में पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने अपने टिकट कटने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मेरे साथ की कई महिलाओं जैसे अर्चना चिट्ठीस, निर्मला भूरिया, संगीता चारेल तथा वेल सिंह भूरिया जैसों का टिकट दिया गया, फिर मेरा टिकट क्यों काटा गया। मैं 30 वर्षों से लगातार पार्टी का काम करती आई हूं। मुझे पिछले 9 वर्षों में पार्टी ने दूध में से मक्खी निकालने जैसा काम किया है। मुझे आदिवासी होने का यह सिला मिला है। मैं लगातार मनावर के अलावा धर्मपुरी, कुक्षी, गंदवानी में सक्रिय रहकर पार्टी को मजबूती प्रदान करती आ रही हूं। इसके बावजूद भी मेरा टिकट काटकर पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज भी मैं 3-4 विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखती हूं, जहां मैं आने वाले चुनाव में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करूंगी। मेरा टिकट कटवाने में कैलाश विजयवर्गीय का हाथ है, क्योंकि उनका डॉक्टर आनंद राय से संबंध है और मैंने आनंद राय को उनके घर इंदौर जाकर धमकाया था, उसी का दुष्परिणाम मुझे झेलना पड़ा है। 22 तारीख को मेरे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, जिसमें कार्यकर्ताओं की मंशानुरूप आगे का निर्णय लूंगी, क्या मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनसे बहुत निवेदन किया था कि एक बार मुझे और लड़ा दीजिए मनावर, और सभी मंडल के पदाधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग गए कि दीदी को आप हम समर्थन करते हैं, और सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता मुझे समर्थन था मिल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी से सबसे जिन से मिली, उन्होंने एक ही बात कहा कि चिंता मत करिए, हम देंगे। और उसके बाद फिर सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, चाहे अर्चना चिट्ठीस, वो उनको भी टिकट दिया गया, संगीता चारेल को दिया गया है, नागर सिंह को दिया गया है, निर्मला भूरिया को दिया गया है, कालू खटोड़ वेल सिंह को दिया गया है, सारे पुराने जितने भी कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया, सिर्फ एकमात्र मेरा टिकट कटा। और मेरे साथ बहुत अन्याय किया गया है। मैं 24 घंटे में 16 और 17 घंटे पार्टी का काम करती, और पिछले 30 साल से मैं घर में नहीं बैठी। भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, आदिवासी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को स्थापित करने में बहुत बड़ा मेरा योगदान रहा, और मैं 4-5 विधानसभाओं के को देखती थी। हर कार्यकर्ता, गरीब हो या छोटे या बड़े, मैं मोबाइल पर मैं काम करती थी मोबाइल के आधार पर मैं सेवा देती थी कार्यकर्ताओं का। और दूसरी बात ये है कि 8-9 में मैं गोपाल कन्नौज को कांग्रेस पार्टी से लाई थी, और उसको कुछ लोगों ने 2013 में मेरे खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, बहुत संघर्ष किया मैंने। उसके बाद रिट पिटीशन भी लगाई कोर्ट में, और कोर्ट में रिट पिटीशन लगाने के बाद मैं जीत भी गई, और जीतने के बाद फिर उसका लड़के को जाप कर रहा है, वो जाप कर रहा था जिसने बूथ लेवल पे काम नहीं करा, जिसका भारतीय जनता पार्टी में कोई योगदान नहीं है, और जिस जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा वो तो भाजपा लीड का जिला पंचायत का एरिया है वो, और वहाँ पहले भी जुम्मा सोलंकी एक साधारण महिला अच्छे खासे वोटों से जीती थी, ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी आज आप देखें कि मैं इतना काम करने के बाद भी मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो बहुत मेरे लिए पीड़ादायक है, और जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। क्योंकि अन्याय की वजह यह है कि मैं डॉक्टर राय के पास लड़ने गई थी, भारतीय जनता पार्टी का जयस के खिलाफ लगातार विरोध में जाता था भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर राय, और वो जो डॉक्टर राय है उस राय के घर पे जाकर के मैंने दादागिरी की थी, झगड़ा किया था, और वो डॉक्टर राय कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला हुआ है,
और उसने कहा है कि मेरे को टिकट नहीं दिलाना चाहिए, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेरा विरोध करके और मेरा टिकट कटवाया है। और अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि हर 755 मजरों से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है, मैं देखूंगी कि क्या करना है, क्या करना है, कल हम विचार करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत दुख और पीड़ा हो रहा है। जिसकी कोई योग्यता नहीं है उसको दे दिया, पुराने पुराने सारे लोगों को दिया, और मेरा मात्र अकेले का टिकट कटा है, बाकी सबको मिल गया अकेले का टिकट। और मैं आदिवासी नेता हूँ, और आदिवासी नेता हूँ मैं, 30 साल से काम कर रही हूँ। मेरे साथ के 1990 से आने वाले लगातार पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में गए हैं, लेकिन मैं पिछले 8 साल से कुछ भी नहीं हूँ, दूध में मक्खी की तरह मुझे निकाल रखा। उसके बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, मैं चूंकि मैं आदिवासी हूँ शायद इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पार्टी के पदों से आप इस्तीफा देने की बात चल रही है, इसमें क्या? मैं पार्टी के कोई पदों पे नहीं हूँ, अभी पार्टी के कोई पदों पे नहीं हूँ, ये हम कल सब विचार करेंगे, सारे कार्यकर्ता बैठ करके हम विचार करेंगे। पार्टी के पदों से सारे 755 मजरों के कार्यकर्ता कह रहे कि दीदी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, पार्टी दे या नहीं दे हम लड़ाएंगे, तो हम सब कल विचार करेंगे इस बात पर। है कल क्लियर कर दोगे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात? कल हम विचार करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मूल्य के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी पार्टी के मूल्य से बाहर न जाते हुए मैंने हमेशा पार्टी की गरिमा को रखते हुए मैंने काम किया है। ये आपका अगर नहीं लड़ना चुनाव, किसी और भी विधानसभा पे असर गिर सकता है भारतीय जनता पार्टी के? मैं तो 4 विधानसभाओं में प्रभाव करती हूँ, कुक्षी भी करती हूँ, गंदवानी भी करती हूँ, मनावर धर्मपुरी सब जगह करती हूँ, जोबट भी विधानसभा, मेरे 7-8 हजार वोट है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे घर परिवार के लोग है, रिश्तेदार है, मैं कर सकती हूँ असर। बीजेपी से नए प्रत्याशी को टिकट दिया, क्या लगता है? अब वो नया लड़का है, अब हीरा लाल अलावा के सामने है, वो देखते हैं कितना फाइट कर पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उतना फाइट कर पाएगा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।